जम्मू कश्मीर में पुलिस और भारतीय सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही घाटी में हाई अलर्ट है और राजौरी समेत सभी पहाड़ी वन क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के तहत ग्राम रक्षा गार्ड राजौरी जिले के सुदूर पहाड़ी वन क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर है। जैसे कि आज काफी टाइम के बाद हमारे यहाँ के असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो भी अगर हमारे एरिया में कोई भी लीडर आता है, कोई जलसा होता है, जो कुछ भी होता है, हमें जैसे पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती है, हम वहाँ पे उनके साथ जाने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी अपना सिक्योरिटी के लिए हम 24 घंटे रहते हैं। और एक बात, जैसे कि अभी हमें सुनने में पीछे आया कि जैसे जो कि पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन में अगर फोर्स लगेगी, अगर फोर्स को किसी जगह में कोई कमी आती है तो उसके लिए हमारे विलेज डिफेंस गार्ड वहाँ पर भी रेडी हैं, तैनात हैं पुलिस स्टेशन वोट होने तक। तो गांव में किस तरह से ड्यूटी करते हो आप, डे नाइट किस तरह से आपने तैनात किए होते हैं, आपने जो मेंबर होते हैं? देखिए, हमारे लोग तो चलो विलेज के गांव के लोग हैं, इनको अपने भी काम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग हमने एक ऐसे एक टीम बना के रखी हुई है कि हमें अगर एक मैसेज भी आएगा तो एक मैसेज पे भी हमारे जितने भी हमारा जो ग्रुप है, हमारे 15-15 लोगों का ग्रुप बना के रखा हुआ है और ग्रुप हमारा 5 मिनट में वहाँ पे पहुंचता है। और हमें जब तक हमारे पास पुलिस या आर्मी या कोई बंदर पहुंचते तब तक हम अगले को रोक के रखते हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें असलहा दी, लेकिन हमारे जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने हमारे से वादा किया है कि आफ्टर इलेक्शन जब इलेक्शन का रिजल्ट हो जाएगा, असेंबली इलेक्शन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, उसके बाद जितने भी बंदे हमारे रह गए उनको वेपन दी जाएगी। और हम गवर्नमेंट से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे लोग रह गए हैं उनको भी वेपन दी जाए। तो इसकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पे आपको दी जाएगी? हमारी जो वेपन अभी तक हमें मिल गए हैं हमारे लोगों को, उसकी हमारी पुलिस स्टेशन में इसकी ट्रेनिंग जो हमें सबको दी गई है और हदायत भी दी गई कि इस हथियार को हमने कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना। बीडीजी सदस्यों को राजौरी जिले में आतंकवाद विरोधी लड़ाई के लिए उचित प्रशिक्षण दिया गया है और अब जागरूकता फैलाने के बाद सभी बीडीजी सदस्यों को SLR सेल्फ लोडिंग राइफलें प्रदान की गई हैं। ये बीडीसी हमको 15 साल से ये गन वेपन मिली थी, तो उस समय में इसका हमें कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमने आर्मी मिलिट्रेंसी दौर था, आर्मी वालों ने हमें बुला के इसका ट्रेनिंग दिया। फिर जब कोई ऐसा इनकाउंटर होता था तो आर्मी से हमको फ़ोन आता था, तो हम एक दूसरे की आगे पीछे फ़ोन करके और एक दूसरे से कंटेक्ट करके तो अपने इधर उधर आर्मी के साथ जाते थे। और अकेले हम आज तक इस इलाके के अंदर ना गए हैं और ना अभी तक, आर्मी और पुलिस के साथ हम कई बार गए हैं और हमने इसका पूरा ट्रेनिंग है कैसे चलाया जाता है, सेफ कैसे रखते हैं हम इसको, अपने अपने घर के लिए कैसे रखा जाता है, बच्चे इसके पास नहीं होने चाहिए, कोई ट्रेनिंग बिना आदमी जो है वो इसके साथ हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो बाकी ये बहुत अच्छी बात गवर्नमेंट ने हमारे गरीब लोगों के साथ किया, ये वेपने उस समय के अंदर हम लोगों को नहीं मिलती तो हमारे इस इलाके के अंदर आज ये पब्लिक जो है खत्म हो सकती थी। बीडीजी सदस्य सीमावर्ती जिले राजौरी में उग्रवाद विरोधी अभियानों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बीडीजी सदस्य अब काउंटर का सब डिवीजन के वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना समय समय पर बीडीजी सदस्यों को हथियारों के संचालन के बारे में प्रशिक्षण देती रहती है। इस बार भी उचित जागरूकता और SLR के संचालन के बाद 303 राइफलों के बाद अब पहली बार बीडीजी सदस्यों को SLR सेमी ऑटोमेटिक हथियार प्रदान किए गए हैं। हम गवर्नमेंट का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसके बावजूद उन्होंने एक मिलिटेंसी जो बहुत देर से 2008 के बाद जो के यहाँ पे बहुत कम थी, उसके बाद अभी एक दो डेढ़ साल में ज़्यादा थोड़ी गतिविधि होने के बावजूद हमें गवर्नमेंट ने SLR जो के गन्ने इशू की। हमारा सभी लोगों का बहुत बड़ा एक योगदान इसके अंदर गवर्नमेंट ने दिया हमको कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने दूर दराज इलाके में जब तक फोर्स या पुलिस का पहुंचना तब तक वो अपनी सुरक्षा के लिए सेफ्टी रहेंगे। दूसरा ये चलने जैसे हमारे को चलाने की ट्रेनिंग जैसे दी गई है, हमारे को पुलिस स्टेशन में बुलाया था और जितने भी हमारे SLR BDC के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उन सबको ट्रेनिंग दी गई कैसे इसको सेफ रखना है, कैसे चलाना है और कितने राउंड इसमें मैगजीन में रखने हैं और इसको ऑन लॉक कैसे करना है और लॉक कैसे करना है। और सबसे पहले तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मेंबरशिप के जितने भी गार्ड हैं, मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में जैसे हमको पुलिस स्टेशन में हमको समझाया गया था कि अपनी वेपन अकेले में छोड़ के घर से ना जाएं,
क्योंकि ये लोड होकर किसी बच्चे के हाथ में चढ़ेगी अगर, तो तब भी वो खतरा हो सकता है।